मध्य प्रदेश के चर्चित मंदसौर गोलीकांड की छठवीं बरसी पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र शाहबाद में कल भाजपा ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया है। कल जिस बर्बरता के साथ किसान पर लाठीचार्ज के आदेश किए, बहुत से किसान जख्मी हैं, सीरियस हैं, 10 किसान एडमिट है अस्पताल में, बहुत से किसानों को हिरासत में लेके अभी भी लिया हुआ है सरकार द्वारा। उससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता भी याद आ गई है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार ना किसान की है, ना जवान की है, ना पहलवान की है, ये किसान है तो केवल धनवान की। नारा था इस देश का नारा, जो इस देश के गांव-गांव, देश के खेत गली गलियारे में गूंज जिसकी उठती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा, जय जवान जय किसान। अब उस सरकार ने नारे को बदल दिया है, पिटे किसान जय धनवान, ये नारा इस भाजपा का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कल की जो लाठीचार्ज हुई वो किस मुद्दे को लेके हुआ। एक बड़ा सीधा मुद्दा है, सरल सा मुद्दा है, एमएसपी। किसान सूरजमुखी की अपनी उपज फसल पे एमएसपी की मांग कर रहे थे कि एमएसपी पे खरीद हो। आपको यह पता है कि जो एमएसपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के जीवन को समर्थन देने के लिए न्यूनतम। और इसका निर्धारण किसान नहीं करता, इसका निर्धारण सरकार करती है। और सरकार निर्धारण करते समय केवल यह देखती है कि जो खर्चा आए फसल को तैयार करने में, कम से कम वो खर्चा पूरा हो जाए। ये आज एमएसपी का फॉर्मूला इस देश में। समय समय पर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के बाद समय समय पर यह मांग उठती रही कि किसान को पूर्णतः लाभकारी मूल्य मिले, खर्चे के साथ साथ मिनिमम 50% का मुनाफा मिले। लेकिन आज वो विषय भी गौण्य हो गया, क्योंकि ये सरकार इतनी किसान विरोधी निकली कि आपको याद होगा कि 3 ऐसे कृषि कानून लेके आई कि एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कंसेप्ट ही उसमें धूमिल हो रहा था। तब एक किसान आंदोलन उठा देश में, 1 साल तक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी उस आंदोलन में। जो धरने दिल्ली के आसपास हर बॉर्डर पे जो धरने आपने देखे, वहां से 750 शव उन धरनों से वापस अपने गांव में पहुंचे, 750 घरों के चूल्हे बंद हो गए, चिराग बुझ गए। इतनी कुर्बानियों के बाद जो देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन जो इतना व्यापक हो, इतना लंबा चला हो, जिसमें इतनी ज्यादा जानों की कुर्बानी देनी पड़ी हो, प्रजातांत्रिक सरकार से अपनी जायज मांग के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं आए देश के सामने और कहा कि आंदोलन वापस लो किसानों से, और इन आंदोलन की वापसी में जो सरकार ने आश्वासन दिया, वो 2 आश्वासन दिए। 1, 3 कानूनों को वापस लिया जाएगा, और दूसरा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने के लिए कमेटी बनेगी। आज
उस बात को भी 1.5 साल से ज्यादा हो गए। वो कमेटी, सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी का कोई जिक्र नहीं था। उस कमेटी में जो सरकार के खास आदमी हैं, केवल उनको जगह मिली। ऐसे लोगों को जगह मिली जो या तो ब्यूरोक्रेट थे या खेती से जिनका लेना देना नहीं था। ऐसे लोग उस कमेटी में बिठाए गए जिनको गन्ने और सरकंडे में फर्क नहीं समझ में आए। और किसान यूनियंस ने उस कमेटी का शुरू से ही कहा कि कमेटी हमारे लिए मान्य नहीं होगी। 1.5 साल से उस कमेटी का क्या हुआ, उसकी बैठक हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ, कुछ अता पता नहीं। कल जो ये लाठीचार्ज हुआ है, ये प्रतीक है 2-3 सरकार की, 2-3 विश्वासघात की। पहला प्रतीक है, ये किसान आंदोलन से सरकार के विश्वासघात का प्रतीक है, क्योंकि किसान कल शाहबाद में सूरजमुखी पे केवल अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे थे। यह प्रतीक है सरकार के, भाजपा के किसान विरोधी चेहरे का प्रतीक। और यह प्रतीक है हरियाणा सरकार के लठतंत्र का प्रतीक, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसी सरकार है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को इस सरकार ने लाठी की भाषा में जवाब ना दिया हो। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस पे लाठी चार्ज ना हुआ हो हरियाणा के अंदर। ऐसी एक सरकार, हर वर्ग को अपमानित करने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। और कोई वर्ग अपने अधिकारों की मांग करता है, किसान से लेकर नौजवान तक, चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश के कर्मचारियों तक, खिलाड़ियों से लेकर आशा वर्कर आंगनवाड़ियों तक, हर वर्ग पे लाठी चार्ज। ऐसी क्रूर, ऐसे क्रूर शासक आज हरियाणा की सत्ता पे काबिज, ये उनका क्रूरता का भी प्रतीक। सरकार किसान के प्रति वायदा खिलाफी में स्वयं अपने कीर्तिमान को, एक कीर्तिमान को तोड़ने का काम करती है। पहले आमदनी दुगने का कीर्तिमान सरकार ने, आमदनी दुगनी का वायदा किया और उस वायदे को तोड़ने का काम किया। आमदनी दुगनी हुई नहीं 2022 तक, खर्चे दुगने हो गए, कर्जा दुगना चढ़ गया किसान पर। और हमने मांग उठाई तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब MSP की गारंटी पर एक कमेटी का गठन करने का सरकार ने आश्वासन दिया, ना कमेटी बनी ना MSP गारंटी हुई। और ये लाठीचार्ज इस बात का भी प्रतीक है। आपको याद होगा किसान आंदोलन में बीजेपी के सारे मंत्री कहते नहीं थकते थे कि MSP तो है ही, हम MSP पे खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संसद में कई बार कहा कि हम तो MSP पे खरीद रहे हैं और MSP पे खरीदेंगे। अगर MSP पे आप खरीद रहे थे और खरीदोगे तो कल क्या हुआ, मैं आपको कल का जो मूल मुद्दा है वो भी बताना चाहता हूं। सूरजमुखी पे इस साल 6400 रुपए की का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर हुआ था। आज निजी खरीदार बाजार में 3500 और 3800 रुपए में सूरजमुखी खरीद रहे। सरकार ने सरकारी खरीद शुरू नहीं करी, लगातार 5 बार सरकार से बातचीत हुई कि आप सरकारी खरीद शुरू करिए 6400 में। सरकार ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, तारीख पर तारीख देने का सरकार ने काम किया, लेकिन खरीद शुरू नहीं हुई। और उसके बाद अंततः सरकार ने कहा कि भावांतर में ले लिया जाएगा इसको। भावांतर एक हरियाणा की योजना है, कुछ और प्रदेशों में, मध्य प्रदेश आदि में भी एक योजना ये लागू है, जिसमें सरकार जो फसलें जिनपे न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं होता उनको लगभग लेना काम करती है, जैसे आलू टमाटर, लेकिन वो भी फेल हो चुकी है योजना। उनकी डिटेल में मैं पहले भी आपसे सारा साझा कर चुका, अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन सरकार ने कहा भावांतर योजना में लेंगे हम इसको। और भावांतर में
1000 रुपए सरकार, तो 1000 रुपए 3500 से 3800 अगर निजी खरीदार खरीदेगा, 1000 रुपए भावांतर भी आप मान ले कि मिल जाएगा, जो कि मिलता नहीं है, फेल हो चुकी योजना, उसके बावजूद 1400 रुपए का 1600 से 1900 रुपए यानी कि 1500 से 2000 रुपए लगभग का किसान को प्रति क्विंटल घाटा 1500-2000 रुपए का, यह स्थिति है एमएसपी की। और यह एमएसपी किसानों ने नहीं डिक्लेयर करी, मैं बार बार कहना चाहता हूं, यह एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे अगर एक क्विंटल में 1500-2000 रुपए कम में अगर जाएगा तो किसान क्या करे। और इस बात को लेकर अपने मौलिक अधिकार, अपने मूल अधिकार कि आपने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर किया, उस पर खरीदारी करिए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन सरकार ने जिस लोकतंत्र का इस्तेमाल किया है वो देखकर पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरा देश का किसान शर्मसार हुआ है। मंदसौर मध्य प्रदेश के लाठीकांड के आठवीं के लाठीकांड के छठी गोलीकांड के छठी बरसी के अवसर पर, ये एक कोइंसिडेंस इसको मान सकते हो या भाजपा के अन्याय के अध्याय के रूप में इसको आप देख सकते हैं। आज हमारी मांग है कि तुरंत सूरजमुखी फसल की एमएसपी पे खरीद की जाए, ना सिर्फ हरियाणा में मगर उत्तर भारत में। हमारी मांग है कि कल जितने किसानों को सरकार ने गिरफ्तार किया उनको रिहा किया जाए, जिन किसानों को गंभीर रूप से चोट आई है उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता डिक्लेयर की जाए, और एमएसपी की कमेटी जो किसान आंदोलन के समय सरकार ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश के सामने आकर जिसका वादा किया था कमेटी बनेगी, उस कमेटी को ठीक ढंग से उसका क्रियान्वयन करके तुरंत एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए, यह हमारी मांग है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश की एकमात्र पार्टी है जो कि किसान आंदोलन की इस मांग से सहमति करते हुए उदयपुर डिक्लेरेशन में हुड्डा कमेटी द्वारा और रायपुर अधिवेशन में जो कृषि संबंधित जो समिति बनी कांग्रेस की, उसके उस समिति के घोषणा पत्र में जो कि हमारे मैनिफेस्टो में भी इंक्लूड किया जाएगा, एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग सारी फसलों की खरीद और एमएसपी को लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया। कांग्रेस एकमात्र एक पार्टी देश में, और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और विशेष तौर से हमारे नेता, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, कि उनकी सोच और कांग्रेस की कृषि समिति के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में, उदयपुर डिक्लेरेशन में भी और रायपुर अधिवेशन में भी इसको शामिल किया गया है। तो हमारी मांग भी है, और हम मांग के साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं देश के किसानों को कि आप धैर्य बनाए रखिए। हम मांग करते हैं लेकिन हमें उम्मीद नहीं है सरकार मांग पूरी करेगी, और ये नहीं करेगी तो 24 में बदलाव होगा, देश में बदलाव आएगा, और कांग्रेस की सरकार बनते ही हम इस एमएसपी की गारंटी की मांग को कांग्रेस पूरा करने का काम करेगी देश में। और सरकार से को ये चेतावनी भी देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि सरकार को ये जो तानाशाही पे सरकार उतर आई है और लगातार
हरियाणा जैसे प्रदेश में तो एक आम हो गई है ये बात, किसान पे लाठी चार्ज। सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप किसान की हाई मोल ले रहे हैं, यह आपको बहुत महंगी पड़ेगी। एक एक लाठी का आपको जवाब देना होगा। क्या आप चाहते हैं कि देश का किसान दोबारा से आंदोलन के रास्ते पे आए? क्या आप यह चाहते हैं? आपने एक साल का आंदोलन देखा, देश का किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना जानता है, पीछे नहीं हटता। आप क्या दोबारा से इस तरह के लाठी चार्ज और इस तरह की क्रूरता करके देश के किसान को के जख्मों को कुरेदना चाहते हैं, दोबारा उनको आंदोलन के रास्ते पे लेके आना चाहते हैं? आपकी क्या मंशा है? सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। आप देखते रहिए अखंड भारत टीवी। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।